अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखना बाहर कौन आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, कैरियर से हैं। तो आज माशाल्लाह से जी 10 मुहर्रम हराम है, तो आज हम नियाज दिलवा रहे हैं। देखिए जिसके लिए हमने तैयारी की है, तो हम माशाल्लाह से जी खाना बनाएंगे और मस्जिद में देंगे। हमें देखने के लिए बाहर वो कह रहा था कि ये ढक्कन इसका नहीं है, बोंगे का भी ढक्कन इसका नहीं है। हमारा तो ऐसा है नहीं, ये ढक्कन इसी का ही है। मैंने वो कुकर को भी चला दिया। तो भी अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जो मेरे चैनल को देख रहे हैं अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। और जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं फातिमा? चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, व्हाइट मलाई कढ़ाई। मलाई कढ़ाई बना रहे हैं। तो आज अम्मी ने मस्जिद में भिजवानी है, नियाज करवानी है। और चावल भी हमने बनाए थे, वो भी हम मस्जिद में इंशाल्लाह भिजवाएंगे। मस्जिद के लिए खाना बन रहा है। आपने मेरे साथ रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं और फुल देखनी है। मेरे लिए सामान पहले से कटिंग कर लिया था। ये दही मंगवाई थी अभी, तो दही भी आ गई है। लहसुन अदरक भी पीस लिया है, और ये भी मैंने अभी कटिंग किया है। हरा धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर भी कटिंग कर लिए थे। प्याज भी सब कुछ रेडी है। और ये मलाई है, थोड़ी फ्रिज में रखी है, और ये फ्रिज में से निकाल लिया ताकि जल जाएगी ना। इतना चलो, अच्छा प्याज दो, प्याज डालो। प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डालते हैं प्याज। ठीक है, आपने भी ऐसी बनानी है, साथ जुड़े रहना। और आपने मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, शेयर करना, लाइक करना, और नहीं तो मेरे बाजू का ही ख्याल कर लो। थोड़े से पड़े हैं फल। ये नेल कटर चीजें बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती ना, चीजें समेटी हुई अच्छी लगती है। मैंने रात को खाने मिले थे, वो है। चलो जान भी होगी, फिर आया देखो कौन आया। कौन खा गया मेरे नाम? वो कह रहे हैं हमारा डोंगा आया तो ढकना नहीं है, ढकना ऐसा ऐसा ढकना दो। वो कह रहे हैं घर से लाया हूँ। वो कह रहे हैं तो नहीं पता ना, हमारे नहीं है, यही है जो आया। ये तो अपने घर से वो तो दिखाने के लिए लाया कि ऐसा है हमारा। आपने चार ब्राउन करने, तो मैं पढ़ लेती हूँ नमाज। नमाज पढ़ के नमाज पढ़ हाँ जी, फिर मैं ना ये इसमें मसाले डाल दूँ। आज गर्मी बहुत बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत ज्यादा है। भी हो रही है, खाना भी मर रहा, प्याज भी टमाटर डाल रही थी। इनको बस हल्का सा ही फ्राई करना था। अब मैं जग में निकाल लूँगी और इसमें दही वगैरह डालकर सबको ग्राइंड कर रहा हूँ। नमाज पढ़ के आ गई हूँ, जो हमने ग्राइंड किया था इसमें सबको डाल दिया। देसी जुगाड़, ये देखें जी देसी जुगाड़। डालते हैं इसमें मसाले। आपने हमारे साथ रहना, अब हमें देखते रहो। ये वो जो चिकन डाल दो। बिस्मिल्लाह, हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया। आपने अपने हिसाब से डालना है, थोड़ा जो ज्यादा ज्यादा निकला नहीं जाता, थोड़ा होगा डल जाता, थोड़ा निकाला नहीं जाता, ज्यादा डल जाता है। ये काली मिर्ची है जी, काली मिर्ची इतनी बहुत है। हरी भी मैंने ज्यादा ली थी, हरी भी डालनी है, फिर कम डालो। ठीक हो गया, बहुत ही जबरदस्त कढ़ाई होने वाली है और बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। इसको जी ढक देते हैं, फिर आएंगे 10 मिनट बाद, इतना हम फल काट लेते हैं ताकि कमजोरी आ गई। खाना तो काफी है, फल वो मैं खा गई है ना। आप निकले रखे थे ना,
क्या चीज है? क्या आम है? आम मैंगो। मैं भूल गई, मैंगो मुझे पता नहीं था, मैं भूल गई। और ये क्या है? देखो ना, आप कटिंग किए थे ना, ये इसकी फाड़ना पड़ेगी। ये आलू भी है, सेब भी है। सेब है, ये भी सेब है, और ये आलू है। और उधर भी पड़े हैं इतने सारे कमरे में, लेकर आओ। हाँ जी, लेकर आओ। ये क्या चीज है? ये लहसुन अदरक हरी मिर्च है। अंगूर खत्म, अंगूर फंजी ये पड़े हैं बस। माशाल्लाह देखें फातिमा जी, बीजी बनाए पे आ रहा है सालन। हाँ जी माशाल्लाह, लुक देखें। ये देखें, आपने ये डालना है दूध और मलाई। ये मैंने निकाल लिया, डालो तो उसमें इसमें डाल। ये सारी मलाई है, थोड़ा दूध भी है, मलाई भी। तो ये अब डाल देते हैं इसमें ये मलाई। तो मम्मी इसमें डालते हैं ना, आपने आँच स्लो कर ली है। अच्छा जी, दम पे रखना चाहिए। हाथ भी जल जाए। बिस्मिल्लाह, ये जी इसको कर देते हैं मिक्स, मिक्सिंग इसको कर देते हैं मिक्स। अब इसको रख देते हैं दम पे, इधर बना लेते हैं रोटियाँ, फिर धो लेते हैं बर्तन। बन गया खाना, ये चावल है, सालन बन रहे हैं, वो आ रहे हैं। सालन फातिमा लेके आ रही है, दिखा रहे हैं, देखो लेके आ रही है, वो आ गया। सालन आ गया। टिफिन में इसमें रहेगा गरम। आप मोटरसाइकिल निकालो, आप मुझे दे दो ये। चल इसके तो वो भी नहीं, अपना थैला ले लेते बड़ा। दे दो मतलब ये वहां पे। हां अपना थैला पड़ा है वहां पे। चल निकाल ले, मैं लेके आ रही हूं। अरे मैया तो कह रही है, चलो मर तो 12 बजे जल्दी ना आसो, हल्ले आसो। ठीक है जी, ढेर लग गया है भांडे, ढेर भांडे हो गए। इसे मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना है। सुनते पे हो ये? नहीं समझ आती पी है? नहीं, चलो मैं वो लगा लगाती हूँ साबुन। फिर हम अंदर जाके बैठेंगे, आराम से सब करेंगे, बैठेंगे क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है। हाँ जी, बस चांद है तो प्यारा चांद है। बस ये तो आओ ना, फिर दूसरे फिर आप आ जाओ। हाँ ऐसे खाओ ना। अल्लाह ताला हम हिम्मत दे, अल्लाह के नाम के देने की इसी तरह ही अल्लाह के नाम पे बांटते रहें। और आपको भी अल्लाह ताला हिम्मत दे, और आप इसी तरह के लोगों की मदद करें और सबको खराब दें। तो अच्छा जी, वीडियो लंबी हो रही तो जी मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। आपके लाफिंग जी, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना है। उनको फांसी उड़ गई है तो हमारी वीडियो नहीं चलती। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट में बताएं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें किसी ने कहा पाकिस्तान का नारा ज़रूर लगाया करें, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। गला खराब हो गया, चले जी।